हाय फ्रेंड्स, वेलकम माय चैनल। मेरे चैनल का नाम है लखनऊ रुचि ब्यूटी चैनल। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक बहुत ही कॉमन टॉपिक है, मगर बहुत ही बड़ा टॉपिक है। ये हर लोगों की प्रॉब्लम है, मेरी क्या, आपकी क्या, मेरे ख्याल से सभी लोगों की ये प्रॉब्लम है, 100% तो सभी को होती है। और मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि मैम कुछ ऐसी चीज़ बताइए जो सस्ती हो और होम मेड हो। तो मैंने सोचा कि क्यों ना वो चीज़ बताई जाए जो मैं खुद अप्लाई करती हूँ और मैं काफ़ी दिन से अप्लाई कर रही हूँ। तो पहले तो मैं आपको प्रॉब्लम बता देती हूँ, प्रॉब्लम है क्या। प्रॉब्लम है हेयर फॉल, जो सभी के साथ होती है, मेरे ख्याल से सभी के साथ होती है, किसी के ज़्यादा होती है, किसी के कम होती है। और आपकी यही प्रॉब्लम है तो मेरा वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। पहले भी एक वीडियो बनाया था हेयर फॉल पे, और वो था अनियन ऑयल का। तो अनियन ऑयल का मैंने रिव्यू किया था, क्योंकि उस सर्दी में वही इस्तेमाल कर रही थी तो मैंने बताया था। तो बहुत से लोगों ने उसमें इतने कमेंट्स किए कि मैम ये बहुत ही महंगा है, एक्सपेंसिव है, कुछ ऐसा बताइए कि जो सस्ता हो और जो होममेड हो। कि मैं होममेड अनियन ऑयल काफ़ी दिनों से यूज़ कर रही हूँ, कम से कम नहीं तो 3 से 4 महीने हो गए हैं मुझे यूज़ करते करते, और मुझे बहुत ही फ़ायदा हुआ है इस अनियन ऑयल से। और जो मेरे यहाँ से बाल झड़ भी रहे थे, आप देखोगे मेरे पहले वीडियो में काफ़ी कम हो गए थे इस साइड से मेरे बाल, तो मैं काफ़ी दिन से इस्तेमाल कर रही हूँ और मेरे बाल देखिए छोटे छोटे बाल भी आ गए हैं इस साइड, आप देख सकते हो। और मेरे हेयर ग्रोथ में भी बहुत फ़ायदा हुआ है। मैं बहुत ही सस्ती चीज़ लेके आई हूँ, तो मैं आपको दिखाती हूँ वो चीज़ है क्या जो आपके बालों को रीग्रोथ कर सकती है, और बिल्कुल कम पैसों में, जो मैं खुद भी इस्तेमाल कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, मैंने कैमरा इस तरह से किया है ताकि आपको बिल्कुल समझ में आए कि मैं क्या चीज़ इस्तेमाल कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने लिया है कोकोनट का पैराशूट का कोकोनट ऑयल, और ये देखिए ये है 41 रुपीज़ का और 100 ml है। तो ये 100 ml है, तो आप चाहो तो इससे बड़ी बॉटल भी ले सकते हो, बना के रख सकते हो, और नहीं तो छोटी बॉटल भी यूज़ कर सकते हो। तो सेकेंड चीज़ है हमारी कैस्टर ऑयल, ये आपको दिख रहा होगा, ये है कैस्टर ऑयल, तो ये है 50 ग्राम और ये भी है 40 रुपीज़ का। तो ये हमें लेना है। मुझे आपको एक और बात बतानी थी, ये तो मेरी न्यू बॉटल है जो मैंने मंगवाई है, और ये मैंने बहुत पहले मंगवाई थी, 3 महीने हो गए हैं। तो ये देखिए मैंने कैस्टर ऑयल की पूरी बॉटल ख़त्म कर दी है, क्योंकि मैं यही ऑयल बना के यूज़ कर रही हूँ। तो और तो हमें ये दो चीज़ तो हो गई हैं हमारी, और थर्ड चीज़, मेन चीज़ है हमारी अनियन, प्याज। जब अनियन ऑयल बना रहे हैं होममेड, तो अनियन तो होना बहुत ज़रूरी है ना फ्रेंड्स, तो अनियन चाहिए। तो अब हमें करना क्या है, तो हमें अनियन लेनी है, अनियन को घिस लेना है, उसका जूस निकाल लेना है। तो मैंने एक अनियन, जो मैंने बड़ी अनियन दिखाई थी, तो मैंने उसका जूस निकाल लिया है, ये कम से कम नहीं तो 3 चम्मच जूस होगा। अब मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहती हूँ, कभी भी कोकोनट ऑयल को आप पकाइए मत, यानी गैस पे डायरेक्ट इसको पकाना नहीं है। अगर आप इसको पका देंगे तो इसकी जितनी भी अच्छी चीज़ें हैं वो सब ख़राब हो जाएंगी, और जब ख़राब हो जाएंगी तो कोई फ़ायदा नहीं है कि आप अपने बालों में यूज़ करें। तो इसको ऐसे ही हमें जैसे आया है वैसे ही यूज़ करना है। तो अब हमें इसे बनाना कैसे है मैं आपको बताती हूँ। तो मैंने सबसे पहले ये कांच की बॉटल ली है, ये मेरे पास जैम की थी, आप कोई भी कांच की बॉटल ले सकते हो, नहीं तो आप पैराशूट का जो ऑयल वाला, कोकोनट ऑयल वाला जार होता है उसमें भी डायरेक्ट बना सकते हो। तो हम क्या करेंगे, मैंने जार इसलिए लिया है ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में भी आ जाए।
तो मैंने कोकोनट ऑयल को, मैंने न्यू बॉटल मंगवाई थी जो 100 ग्राम की है, तो 100 ग्राम का तो कोकोनट ऑयल मैंने ले लिया है, जितना था पूरा ले लिया है। ये हमारा 100 ml था तो मैंने 100 ml ले लिया है। अब हम 100 ml में केवल 1 से 1.5 चम्मच कैस्टर ऑयल मिलाएंगे, क्योंकि ये बहुत ही थिक ऑयल होता है और कैस्टर ऑयल बालों के लिए बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। ये अपने आपके बालों की रीग्रोथ करता है। ये 1 चम्मच हो गई और अब हम आधी चम्मच और लेंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा थिक होता है। ये आधी चम्मच है, ये आपको दिख रहा होगा। तो बस अब इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। पहले इसको बंद कर दूं ताकि मेरा और बाद में भी काम आ जाए। अब इसको मैं अच्छी तरह से इसी बॉटल के जार में अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है इस ऑयल को। तो आपको करना क्या है, इस तरह से ऑयल बना के आप रख सकते हो किसी डार्क प्लेस पे, जहाँ पर मतलब कि धूप धूप की रोशनी ना आए, उस जगह रख दो। तो आप सोच रहे होंगे इसमें अनियन ऑयल, अनियन तो मैंने मिला ही नहीं। मैं बताती हूँ, परेशान ना होइए, क्योंकि मैंने इसलिए नहीं मिलाई अभी, क्योंकि अगर मैं अभी इसमें मिला दूंगी, क्योंकि मैंने पकाया बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अगर मैं पका दूंगी तो इसकी जितनी भी गुडनेस है सब बेकार हो जाएगी, आपके बालों को कोई भी फायदा नहीं होगा पकाने पे। अगर आपको अपने ऑयल की गुडनेस नहीं खराब करनी है तो इसमें अभी अनियन नहीं मिलाइएगा। फिर हमने जो अनियन जूस लिया था, ये हमारा लगभग आपको बताया था 3 चम्मच था। इसमें अपने बाल की जो आपकी हेयर की बाल की ग्रोथ है, उस हिसाब से आप इसमें ऑयल डाल सकते हो। तो मेरे मीडियम हेयर है तो मैं इसमें 2 चम्मच ऑयल डाल रही हूँ, फुल एकदम भर के। इस तरह से मिक्स कर लेना है। तो प्याज का रस आपको तुरंत तुरंत मिलाना है, क्योंकि अगर आप मिला के रख दोगे तो ये ऑयल जो है आपका ख़राब हो जाएगा। ये ऑयल तो कम से कम नहीं तो आपका 5 से 6 महीने आराम से चल सकता है, इस तरह से मिक्स करके रख लोगे। और प्याज का रस आप तुरंत निकालो और तुरंत यूज़ करो। प्याज का रस जो गंजापन होता है उसको भी दूर करता है, और जो बालों के जो झड़ रहे हैं या सफ़ेद हो रहे हैं उसके लिए भी बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो अब मैं बताती हूँ कि इस ऑयल को किस तरह से यूज़ करना है। तो मैं कोई भी ऑयल यूज़ करते हैं तो हमें अपने बालों में कोमिंग ज़रूर कर लेनी है। तो सबसे पहले तो आप अपने बालों की कोमिंग नीचे से शुरू कीजिए और ऊपर तक के। अब हमें 2 पार्ट्स में अपने बालों को कर लेना है। तो इस तरह से हमें ऐसे इस तरह से बीच बीच में पार्ट्स कर लेने हैं। और ऑयल को लेना है जो मैंने बनाया था अनियन ऑयल होम में, उसे ले लेना है और इस तरह से हमें लगाना है अपने फिंगर टिप से अपने बालों की जड़ों में इस तरह से। अगर आप रूट्स पे लगाएंगे इस तरह से तो आपकी रूट्स मजबूत होंगी। और इसी तरह से हमें पार्ट्स कर देने हैं अपने बालों में, और पार्ट्स कर करके इसी तरह से हमें ऑयल को लगा लेना है। ये देखिए थोड़ा सा थिक ऑयल हो गया है, आपको दिख रहा होगा कैमरे में, ये देखिए थिक हो गया है। इसी तरह से हमें पूरे अपने बालों पे लगाना है। आपको पता है जो अनियन होती है इससे हमारे जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो भी अच्छा होता है अनियन से, और ये बहुत पुरानी चीज़ है
कि प्याज का रस लगाने से या प्याज का ऑयल लगाने से आपके बाल बहुत अच्छे हो जाते हैं। अब हमें नीचे भी लगाना है, नीचे अपने बालों को बिल्कुल नहीं छोड़ना है, इस तरह से हाथों में लेना है और इस तरह से करना है। हाँ, बहुत से लोगों को लगता है कि मैं ये चीज़ इस्तेमाल कर रही हूँ तो मेरे बाल और झड़ रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कुछ दिन तक तो आपको इस्तेमाल करना ही पड़ेगा, तभी आपको असर पता चलेगा, क्योंकि आपके जो वीक बाल होते हैं, जैसे ही आप वो चीज़ यूज़ करते हो या अपने सर में मसाज करते हो तो वो बाल तुरंत टूटने लगते हैं, क्योंकि वो इतने वीक हो चुके होते हैं। आप कंघी भी करोगे तो वो निकल जाएंगे। तो अगर आपको रीग्रोथ चाहिए तो आपको कम से कम नहीं तो 1 मंथ या 15 दिन तक के कोई भी चीज़ आप यूज़ करते हो तो उसका रिजल्ट पाने के लिए यूज़ करना पड़ेगा। तो अब हमें हल्के हल्के हाथों से इस तरह से मसाज करनी है ताकि ये जो ऑयल है हमारा अच्छी तरह से बालों में एब्जॉर्ब हो जाए और अच्छी तरह से बालों में पहुंच जाए। बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि सर्दियां आ गई हैं और कोकोनट ऑयल तो जम जाएगा, तो अगर ऐसा होता है इन केस तो आप ये कीजिएगा कि डबल बॉइलिंग कर दीजिएगा। डबल बॉइलिंग ये होती है कि आप एक भगोने में पानी लीजिए, उसको गर्म कर लीजिए, फिर एक कटोरी में ऑयल लीजिए और उसको जितना यूज़ करना है उतना निकाल दीजिए और उसको गैस से उतार के गर्म पानी के पानी की जो भगोना है उसके ऊपर अपनी कटोरी रखिए, वो धीरे धीरे मेल्ट हो जाएगा, तब आप यूज़ कर सकते हो। मगर डायरेक्ट आग पे या गैस पे यूज़ मत कीजिएगा, मैं बेबे रिपीट कर रही हूँ। अगर आपसे हो सके तो ये ऑयल नहाने से 2 घंटे या 3 घंटे पहले लगाइए, या आप रात को सोते समय भी इस ऑयल को यूज़ कर सकते हो। अगर आप मतलब कि सुबह लगाओगे और बाहर चले जाओगे काम करने तो जितनी भी डर्ट होगी आपके बालों में चिपक जाएगी, जिसकी वजह से आपके बाल और भी गंदे हो जाएंगे और झड़ने लगेंगे। तो हो सके तो रात को सोते समय लगाइए, जैसे मैं लगा रही हूँ, रात हो गई है तो मैं रात को सोते समय ही ऑयल लगाती हूँ, नहीं तो नहाने से 2-3 घंटे पहले लगाती हूँ। अब हमें क्या करना है, अब हमें कोमिंग कर लेनी है। उसी तरह से कोमिंग कर लेंगे तो हमारे जितने भी बाल उलझे हैं जो ऑयल लगाया है तो वो उलझेंगे नहीं। और जब हम शैम्पू करेंगे, और कोई भी माइल्ड शैम्पू से आप शैम्पू कर सकते हो, जब हम शैम्पू करेंगे तो इतनी आपके बाल नहीं झड़ेंगे। तो इस तरह से हमें कोमिंग कर लेनी है। इस समय रात हो गई है तो मैं एक हल्की सी चोटी बनाऊंगी ताकि मेरे बाल उलझे नहीं सोते समय। आप चाहो तो जूड़ा भी बना सकते। तो मैंने एक चोटी बना ली है और मैंने उस चोटी को जूड़ा भी बना लिया है, ये देखिए इस तरह से, क्योंकि अभी मैं थोड़ा सा काम है जो घर का वो करूँगी, उसके बाद मैं इस जूड़े को भी खोल दूँगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो, यूज़फुल लगा हो, तो मेरे वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और हो सके तो इसे शेयर ज़रूर कर दीजिएगा ताकि और लोगों के पास भी यह इन्फॉर्मेशन चली जाए, ताकि भाई उनके भी बाल झड़ना रुक जाए। तो चलो अब मैं चलती हूँ, बाय।